तो नमस्कार साथियों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हिस्ट्री का पूरा का पूरा माइंड मैप है, मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ बिना टाइम को वेस्ट करे। तो हिस्ट्री को हम लोग तीन फेजेस में पढ़ेंगे। पहला है एंशेंट वाला पार्ट होगा हमारा, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, एंशेंट का पार्ट है। दूसरा है मेडिवल का और तीसरा है हमारा मॉडर्न का। ये तीन पार्ट है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे 2 मिलियन ईयर से लेकर अप्रॉक्स 600 AD तक। दूसरा हमारा रहेगा 600 AD से 1707 तक मेडिवल का, और तीसरा 1707 से 1947 तक का, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले एंशेंट की, ठीक है। तो एंशेंट में सबसे पहले आपको मिलेगा स्टोन एज, जिसको पाषाण युग भी कहते हैं, ठीक है। 2 मिलियन ईयर से लेकर लगभग 4500 BC तक का सिनेरियो रहा है, जिसमें पैलियो यानी कि जिसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं, और जो 2 मिलियन से लेकर लगभग 1200 तक का ये रहेगा। मेसोलिथिक है यानी कि मध्य पाषाण काल, जो 12000 से लेकर लगभग 10000 BC तक आपको मिलेगा, और न्यूलिथिक में 10000 से लेकर लगभग 4500 BC तक आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करें सिविलाइजेशन, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो है हमारा सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन दो है हमारे पास में, इंडस वैली जो लगभग 2500 से लेकर 1750 में देखने के लिए मिलेगी। वैदिक की अगर हम लोग बात करें तो 1500 से लेकर 600 के बीच के बीच में देखने के लिए मिलेगी। इफ यू टॉक अबाउट इंडस वैली, तो इंडस वैली को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पन, ठीक है, हड़प्पन या फिर ब्रोंज मेटल सिविलाइजेशन भी हम लोग उसको कहते हैं। तो तीन नामों से जाना जाता है बेसिकली। हड़प्पन की सबसे बड़ी जो पहली साइट थी वो हड़प्पा थी, जो 1921 में फाउंड हुई थी, जो रावी नदी के किनारे आपको मिली है। उसके बाद मोहनजोदड़ो लगभग 1922 में मिलती है आपकी, ठीक है, जो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भगवा नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिलेगी। कालीबंगा जो आपको पता है, कालीबंगा कहाँ पर है आपको, ठीक है, झज्जर में देखने के लिए मिलेगी आपको, यानी कि आपका बेसिकली हरियाणा वाले साइड में घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी राजस्थान में है, धोलावीरा गुजरात, रोपड़ पंजाब, ठीक है, ये बेसिक साइट्स हैं जो कहीं ना कहीं बार बार पूछी जा रही है। अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी की, चार मेन साइट्स हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्ट में अगर हम लोग ईस्ट में देखें तो ईस्ट में आपको मिलेगी आलमगीरपुर, जो किस कहाँ पर है, मेरठ। किस नदी के किनारे है दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्दर्न साइड तो वो कौन सी है, मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। इफ़ यू टॉक अबाउट वेस्टर्न साइड तो वेस्टर्न में सुख्तंगदोर मिलेगा आपको, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे, दक्षा नदी के किनारे, ठीक है, दक्षा नदी के किनारे। और है दैमाबाद, जो हमारे साउदर्न साइड है, जो आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ पर, आपकी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, सील्स। यहाँ पर बहुत सारी सील्स मिली है, चाहे वो पशुपतिनाथ की हो, ठीक है, चाहे वो हमारे एनिमल्स की हो, पर दोस्तों याद रखना काओ गाय की सील नहीं मिली है। बात मिला है ग्रेट मोहनजोदड़ो में, आपको पता होगा ग्रेट ग्रैनरी मिली, वो भी वहीं पर मिला। कॉटन और एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी स्रोत था, ये बेसिकली कल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं वैदिक की, तो वैदिक में आपको पता है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का सिनेरियो है। पोस्ट वैदिक और प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक के अंदर आपको देखेंगे लगभग 1500 से लेकर और 1000 बीसी आपको देखने के लिए मिलेगा, और प्री में 1000 से लेकर 600 बीसी तक आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। जो ऋग्वेद है मेरे भाई, इसके अंदर 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। सामवेद जो म्यूजिक से है, यानी कि कहीं ना कहीं म्यूजिक से वो वर्क करता है। यजुर्वेद के अंदर हम लोग सेक्रीफाइस की बात करते हैं, और आपको याद होगा हमारे पुरानी कथाओं के अनुसार, हमारी पुरानी कथाओं के अनुसार जो है सेक्रीफाइस के अंदर, यानी कि यजुर्वेद के अंदर दो सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर 15-15 दिन के फेजेज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है ना, कृष्ण पक्ष और शकुल पक्ष, तो आपको यजुर्वेद में देखने के लिए मिलेंगे। अथर्वेद की बात करें तो मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन की बात करता है, यानी कि आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद की मेरे भाई ये बात करता है, ब्लैक मैजिक की बात करता है कौन, अथर्वेद। तो ये हमारे चार वेद हैं। उसके अलावा ऋग्वेद की हम लोग बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा मंडल, जहाँ पर गायत्री मंत्र की बात करते हैं। नवा मंडल, जहाँ पर हम लोग बात करें गॉड, यानी कि जैसे इंद्र है हमारे, है ना, इंद्र है, अग्नि है, ठीक है, और हमारा अग्नि है, इंद्र है, और उसके अलावा सोम है, ये तीन देवता हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको नौवें मंडल में मिलेंगे। और दसवें मंडल में मिलेगा वर्ण व्यवस्था, जो आपको याद होगा ऐसे चार थी जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिला था, सबसे पहले ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे, ये चार हमारे वर्ण व्यवस्था के पार्ट रहे हैं। उसके अलावा हम लोग बात करें उपनिषद 108 हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडक। मुंडक उपनिषद क्यों, क्योंकि सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते आपको मुंडक उपनिषद से मिला है, और मानव से वासुदेव कुटुंबकम, जो आपकी G20 की थीम भी है। तो दोस्तों ये सिनेरियो है जो हमारे इंपॉर्टेंट के लिए बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आगे के साम्राज्य की। चलिए तो दोस्तों हम आगे फेज की बात करते हैं मगध की, राइज ऑफ मगध। मगध आपको देखने को मिलेगा लगभग 600 BC से आपका 600 AD तक, ठीक है, 600 AD तक आपको देखने के लिए मिलेगा मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहला साम्राज्य था हरियक वंश, जो लगभग 545 से 413 मिलेगा, और इसके फाउंडर कौन थे, बिंबिसार। जो बिंबिसार है उसकी जो कैपिटल थी दोस्तों वो थी राजगीर,
ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंबिसार कौन से इसके संस्थापक थे, उसकी कैपिटल क्या थी, राजगीर। अगर हम लोग बात करें दूसरा कौन सा है, नागवंश। नागवंश आपको 413 से 345 देखने के लिए मिलेगा। शिशुनाग इसके फाउंडर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नंद है 345 से 321 BC, जो महापद्मानंद थे, ठीक है, वो इसके संस्थापक थे और इन्हीं के बेटे थे धनानंद, जिसके समय आपको याद होगा अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध हुआ था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अलेक्जेंडर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, रिवर के किनारे हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला आया मौर्य। मौर्य क्या था, एम्पायर था, जो 321 BC से 183 BC तक हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, आप सभी को याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, जिनका नाम क्या था, क्या नाम था, बिंदुसार। बिंदुसार के 100 बेटे थे, उनमें से एक जो था उसका क्या नाम था, अशोका। तो अशोका कौन थे, बिंदुसार के बेटे थे, कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और इसी के समय एक व्यक्ति आया था मेगस्थिनीस, ठीक है, इसी के समय एक व्यक्ति आया था मेगस्थिनीस, ठीक है, जिसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है, और इंडिका से ही एक वर्ड आया था इंडिया, ठीक है दोस्तों, ये इसी से ही लिया गया वर्ड है। उसके बाद हम लोग बात करें, उसके बाद आएगा शुंग, ठीक है, 183 से 73 BC पुष्यभूति शुंग, ठीक है, सतवाहन 73 से लेकर जो है 170 AD तक रहेगा, वासुदेव इसके संस्थापक थे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की गुप्ता एम्पायर, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे आ रहे हैं। तो गुप्ता एम्पायर हम लोग देखें 240 से लेकर 557 तक का एरिया है। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, श्रीगुप्त, जो 240 से 280 तक रहे। उसके बाद इनके बेटे का नाम था घटोत्कच, 280 से 320 के बीच में। पहला जो रूल करने वाला शासक बना उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई, 320 से 335 तक ये रहे। उसके बाद आए समुद्रगुप्त, जिनके लिए कुछ उपाधियाँ थी, जैसे कविराज थी, 6 तरह के सोने के सिक्के चले, जिसमें वीनासरण जो कल आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके समय में एक कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, जो पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, 335 से 380 तक ये रहे। उसके बाद आए चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हीं के पास 9 जन थे, जिसमें कालिदास सबसे इंपॉर्टेंट थे। कालिदास ने कुछ पुस्तक लिखी थी, अभिजात शकुंतलम, आपको याद होगा शकुंतलम इन्होंने लिखी थी, उसके अलावा मेघदूत, वो भी इन्होंने ही लिखी थी, ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 380 से 412 ये रहे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इन्हीं के काल को कहता है गोल्डन पीरियड, ठीक है, इन्हीं के काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, रचनाएं की, किताबों की, 9 जेम इन्हीं के पास थे। फिर बात करते हैं कुमारगुप्त की, तो दोस्तों कुमारगुप्त ने सिर्फ एक काम किया था, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। स्कंदगुप्त ने क्या किया था दोस्तों, सुदर्शन लेक की स्थापना की थी, सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, रिपेयर कराया था सुदर्शन लेक को। और सबसे अंतिम जो शासक था उसका नाम था विष्णुगुप्त, जो लगभग 557 तक रहा, 557 तक आपका ये रहा है। इसको किसने मारा था, पुष्यभूति वर्धन ने, जो वर्धन साम्राज्य का क्या बना, संस्थापक बना, और इसने कैपिटल बनाई, इसका नाम था थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर इसकी कैपिटल थी, जो आपकी हरियाणा में है। और अगर हम लोग बात करें गुप्ता की, तो गुप्ता की क्या थी, पाटलिपुत्र, ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी, जहाँ से ये सब चीज़ें रूल की गई, ठीक है। तो वर्धन का बेटा था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन इसी का बेटा था पुष्यभूति वर्धन का, और इसी के नाम पे आप लोगों ने सुना होगा कि इसके समय था एक कवि जिसका नाम था भानुभट्ट, भानुभट्ट ने किताब लिखी थी हर्षचरित्र, ठीक है, आप सभी को ये याद होगा। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज की, मेडिवल इंडिया की। तो मेडिवल इंडिया आप सभी को पता है लगभग 600 AD से 1707 रहेगा, यानी कि औरंगजेब तक रहेगा। अगर हम लोग बात करें मुस्लिम इन्वेशन की, मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया था, साउथ डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, मुगल के बारे में पढ़ेंगे, और विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को याद होगा विजयनगर एम्पायर को हरिहर और बुक्का ने एस्टैब्लिश किया था। तो बस यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, हरिहर और बुक्का। बात करते हैं मुस्लिम इन्वेशन की, जो लगभग 712 में आपको याद होगा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया था, भारत में सबसे पहली बार सिंध पर इन्होंने अटैक किया था। महमूद गजनी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने 17 बार आक्रमण किया था, और कल क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा हुआ था कि महमूद गजनी ने मतलब किसने 17 बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनी ने। और इसी के समय में एक लेखक था दोस्तों जिसका नाम था अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी इसी का ही लेखक था। फिरदोशी, उतबी, ये सभी इसी के ही भाग थे, जिन्होंने किताबुल हिंद भी लिखी थी, ठीक है। उसके बाद बात करें, उसके बाद आ गया था मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1206 तक आक्रमण किया, जिसमें पहला अटैक था ताराहिंडा, जिसको आप लोग भटिंडा कहते हैं, ठीक है, जो पंजाब का ही एक जगह है। उसके बाद इसने पहला तराइन का युद्ध लड़ा, ठीक है, पहला तराइन का युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान से, जहाँ पर ये हार गया था। दूसरे तराइन के युद्ध में ये 1191 में लड़ा गया, और ये 1192 में लड़ा गया। तो 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया, क्योंकि इसका साथ किसने दिया था, जयचंद राठौर ने इसका साथ दिया और ये जीत गया। तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में, और मोहम्मद गोरी ने जयचंद राठौर को भी हटाकर क्या कर दिया, पूरे भारत पर धीरे धीरे शासन करना शुरू कर दिया। और इसके बाद आपको देखने की मिलती है दिल्ली सल्तनत,
ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत को याद करने का एक तरीका है, मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, देखो ध्यान से। तो क्या है तरीका, गुलाम वंश में GKTSL, ठीक है दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, GKTSL, जी के तो हम लोग पढ़ते ही हैं, साथ में TSL, जिसे गुलाम वंश जो आपको देखने के लिए मिलेगा 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1450, लोधी वंश मिलेगा 1450 से 1526, और 1526 में आपको याद होगा पानीपत का युद्ध लड़ा गया और जिसमें बाबर आ जाता है, मुगल आ जाते हैं। इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जलालुद्दीन खिलजी, इसका ग्यासुद्दीन तुगलक, इसका खिजर खां और इसका बहलोल लोदी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट शासक थे, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बलबन, ठीक है। इसका कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, इसका मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन तुगलक, ठीक है। और इसका कौन था, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को हरा कर, यहाँ पर लिखा है मैंने, 21 अप्रैल 1526 को पहला पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर जीत गया और इसने मुगल वंश की स्थापना की। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से यहाँ से कि इन सभी लोगों में से किसने आगरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसने आगरा सिटी को एस्टेब्लिश किया था, कीजिए कमेंट और बताइए मुझे आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन। चलिए साथियों, तो बात करते हैं मुगल्स की। तो मुगल में कौन है, सबसे पहले आपको पता होगा बाबर और हुमायूं, उसके बाद कौन आया था, हुमायूं दोबारा आया था, उसके बीच में कौन आ गए थे, सूरी आ गए थे, आपको पता होगा हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, और उसके बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब, और सबसे लास्ट जो था उसका आप सभी को पता है, बहादुर शाह सफर जो सेकंड था, 1857 की क्रांति में इसकी भी समाप्ति हो गई थी। बात करते हैं बाबर के बैटल जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछे आ रहे हैं, तो ट्रिक से याद करते हैं, 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चांद देखा, 29 को घर गया और 30 को मर गया। यानी कि 1526 में पानीपत, खानवा, चंदेरी, घग्गर और इसकी मृत्यु, तो ये बैटल आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। दूसरा पानीपत का युद्ध जो था, जो आज भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि अकबर और हिमू के बीच में लड़ा गया। तीसरा जो था ये कब आया था, 1556 में, और तीसरा लड़ा गया था दोस्तों 1761 में, जो मराठा और दुर्रानी के बीच में लड़ा गया था। बात करते हैं फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मॉडर्न की। तो मॉडर्न में 1717-1947 आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला जो इवेंट है वो 1885 से आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों हाँ, इसके बीच में जो सेगमेंट थोड़ा सा रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे राजा राम मोहन रॉय, ये सारे, मैं उसकी लिंक इसी वीडियो के लिंक बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से आकर उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो 1885 में INC फॉर्म की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने व्योमकेश चंद्र बनर्जी, फाउंडर कौन थे, AO Hume, और ये कहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, बॉम्बे में, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे के अंदर। 1891 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था जिसमें बजट आस्क करने का पहली बार भारतीयों को, इंडियंस को प्रोविजन मिला था, ठीक है। 1895 में क्या आया मेरे भाई, 1895 में पंजाब नेशनल बैंक आया, 1896 के अंदर दोस्तों वंदे मातरम को पहली बार गाया गया, ठीक है, किसके द्वारा, जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी है। पर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वंदे मातरम कौन सी बुक से लिया गया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझे बताएंगे, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो मैं आंसर करूंगा, आप लोग बताएंगे वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया। बात करते हैं आगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे, ठीक है, इवेंट्स को 1905 से 1920 और उसके बाद गांधीयन युग, ठीक है, गांधीयन एरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि गांधी का एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस वाले एरिया को पकड़ लेते हैं, तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट आया था। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आगा खान ने की थी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये क्वेश्चन आज पूछा हुआ है, सूरत में हुई थी। 1909 में मिल्टन मोरली रिफॉर्म्स आए थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी जो US यानी कि सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ठीक है। 1916 में क्या हुआ था दोस्तों, लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसमें मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक साथ आए हैं, यानी कि नरम दल, गरम दल और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक साथ आ गए थे, ठीक है। उसके बाद होम रूल मूवमेंट हुआ जो एनी बेसेंट और बंगाल गंगाधर तिलक साहब ने साथ में किया था। 1917 में साथियों क्या आया था, मार्शल लॉ आया था। 1919 में रोलैक्ट एक्ट आया था जहाँ पर कम से कम 6 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए बिना किसी को बताए वो क्या कर सकते थे, उठा सकते थे, जो 18 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। और उसी के बाद आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों कल भी क्वेश्चन पेपर में आया था कि वो लोग क्या मना रहे थे साथियों, बैसाखी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बैसाखी को 13 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बैसाखी को इसी दिन ही क्यों मनाया जाता है, या आप लोग मुझे बताएंगे। 1919 में हंटर कमीशन आई थी जिसने उन लोगों को क्लीन चिट दे दी थी और इंग्लैंड भेज दिया था, किसको, जिसका क्या नाम था आप सभी को याद होगा, क्या था, जनरल ओ डायर, ठीक है, इनको क्लीन चिट देकर यहाँ से भेज दिया था। बात करते साथियों गांधी एरा की। तो गांधी एरा की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को आपको पता है कि महात्मा गांधी देश वापसी लौटे थे, ठीक है, और NRI डे इसके इनके आने की वापसी जो भारत आए थे इसी में मनाया जाता है। कहाँ से आए थे दोस्तों ये, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, बैरिस्टर थे, ये आप सभी को पता है। 1916 में क्या हुआ था, 4 फरवरी को इनका पहला इवेंट था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में इसको मदन मोहन मालवीय जी ने इनको बुलाया था, इनके साथ एनी बेसेंट भी थी,
ठीक है। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण का पहला इनका आंदोलन था। 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद हुआ। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है कई बार फंसाने के लिए कि अहमदाबाद और खेड़ा, दोस्तों याद रखना पहले अहमदाबाद हुआ है 15 मार्च और उसके बाद 22 मार्च को यानी कि 7 दिन बाद खेड़ा। दोस्तों ये पेपर में ना क्वेश्चन में फंसा दिया जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डेट्स भी यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको ये याद हो जाए। 5 सितंबर को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ जहाँ पर खिलाफत को भी इसको एक साथ स्टार्ट किया गया। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हुई थी घटना, आपको याद होगा, गोरखपुर में आग लगा दी थी, इस वजह से इसको वापसी ले लिया गया। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनाई इसके अध्यक्ष थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। 1925 में काकोरी कांड हुआ, ट्रेन जहाँ पर आपको पता हुआ सहारनपुर में जो है ट्रेन लूट ली गई थी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान भी थे। दोस्तों 1926 में क्या हुआ था, यूपीएससी का एस्टैब्लिश किया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और आप लोग मुझे बताएंगे इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, दिल्ली से मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ठीक है, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। 1924 में एचआरए बना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बनाई गई, एस्टेब्लिशमेंट किया गया इसको। 1928 में बरदोली सत्याग्रह हुआ था जहाँ पर आप सभी को याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को सरदार की उपाधि मिली थी, आप सभी को ये बात पता है। 1928 में क्या हुआ था, लखनऊ सेशन हुआ था जहाँ पर पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। तो साथियों उसके बाद फिर क्या है, साइमन कमीशन, कल भी इसके ऊपर क्वेश्चन था और आज भी पूछा हुआ साइमन कमीशन के ऊपर। 1927 में इसको नवंबर के महीने में एस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों, कहाँ पर, लंदन में। 1928 में मार्च में इंडिया वापसी आई थी, मतलब इंडिया आई थी मुंबई में। टोटल मेंबर कितने थे दोस्तों, 7 थे। हेड किसने किया था, साइमन ने इसको हेड किया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय द्वारा जो है इनका विरोध किया गया जहाँ पर उनकी डेथ हो गई और इसकी वजह से एक नारा लगा गो बैक साइमन कमीशन। कल ये क्वेश्चन था यहाँ पर लिखा था कम बैक साइमन कमीशन, तो ये आपको जो है करेक्ट ढूंढना था, तो ये गो बैक साइमन कमीशन था, कम बैक नहीं था, गो बैक था। पर्पस क्या था, पॉलिटिकल व्यूज बनाना, स्ट्रक्चर फॉर इंडिया बनाना या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कुछ प्रावधान को रखना, ठीक है। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए, ठीक है, रिकमेंडेशन क्या थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आप सभी को पता है 3 हुई थी, बात करते हैं आगे की। फिर आया था हमारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जो आपको पता होगा उन्होंने कहा था कि भैया हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, कब, कि 26 जनवरी 1930 में हम लोग क्या बनाएंगे साथियों, आज़ादी बनाएंगे। यही रीज़न था मेरे भाई कि 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही डेट फिक्स कर ली थी इसलिए हमने अपने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। 1930 को साल सत्याग्रह हुआ, दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी ने की थी। 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी सितंबर के महीने में, ठीक है, जो विफल रही। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ जिसमें 16 शर्तों को मान लिया गया था, ठीक है। उसके बाद साथियों 7 सितंबर को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद 16 अगस्त को कम्युनल अवार्ड आया जो रामसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी शुरुआत की। 1932 में गांधी अम्बेडकर पैक्ट हुआ था जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद फिर साथियों 1932 में तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है। 1940 में सबसे इंपॉर्टेंट आया अगस्त ऑफर। 1942 में इसको क्रिप्स मिशन आया था जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसको खत्म कर दिया था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसने, महात्मा गांधी ने मेरे भाई, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में क्या आया, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 8 अगस्त 1942 को आया था, आप सभी को याद होगा, ठीक है, अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से। 1942 में INA को भी इस्टेब्लिश किया गया था रास बिहारी बोस ने, जो बाद में 1943 में क्या बनी, आज़ाद हिंद फौज, और इसकी स्थापना किन्होंने की थी ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन को मैं भी आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। 1947 में यानी कि 18 जुलाई को एक निर्णय लिया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया जिसमें इंडिया को 15 अगस्त और पाकिस्तान को 14 अगस्त में आज़ाद कर दिया, किसने, वहाँ के जो PM जो थे क्लीमेंट एटली ने, ठीक है, क्लीमेंट एटली ने, और जो हमारे देश में वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको देश को आज़ाद कर दिया। बात करते हैं साथियों कैबिनेट मिशन की। चलिए तो साथियों बात करते हैं कैबिनेट मिशन की, आप सभी को पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन को कब बनाया गया था, तो आपको पता होगा लंदन में बनाया गया था, ठीक है, मार्च 1946 में ये भारत आ गई थी। पर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने क्या किया था मेरे भाई, कि साइमन कमीशन कैबिनेट माफी चाहूंगा कैबिनेट मिशन को भारत लेके आए थे, वो 3 लोग थे, कौन कौन थे, हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, स्पा, ठीक है ना, आजकल थक जाते हो तो स्पा जाते हो ना, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ये दोस्तों 3 लोग थे। अगर एलिमिनेशन आएगा तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1946 में। फॉर्म्ड क्यों आई थी ये, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए,
इलेक्शन कराया इसने 389 सीट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, 389 सीट पे इलेक्शन कराए, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को टोटल सीट कितनी मिली, 296, 93 सीट मिली थी प्रिंसली स्टेट को, ठीक है, 208 सीट INC को दी गई, 73 सीट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को और 15 अदर को, ठीक है, ये इलेक्शन का वोट आया था। और इसी सीट्स पे पाकिस्तान की डिमांड की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, इन्होंने डिमांड कर ली यहीं पर पाकिस्तान की। और उसके बाद आपको याद होगा 299 सीट हमारे पास रही और लगभग 99 सीट किसके पास चली गई थी, पाकिस्तान के पास चली गई थी, ठीक है, ये बड़ा समस्या वाला काम था। 90 सीट उनके पास में चली गई थी, 90 सीट चली गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले डिमांड किसने की थी, 1934 में पहली बार MN रे ने इसकी डिमांड की थी। इस मांग को माना गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, जिसमें से आपके बहुत सारे प्रोविजंस को संविधान में लिया गया है, तो इसकी भी हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर इसको पूरा मैं आपको पूरा दे दूंगा, ठीक है। 1935 में कांग्रेस सेशन आया था मेरे भाई, कांग्रेस सेशन, ठीक है, उसमें इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको हरी झंडी दे दी कि भी ठीक है संविधान बनाइए। 6 दिसंबर 1940 को कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया। इसकी तीन मुख्य बैठक थी, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। और तीसरी मीटिंग मेरे साथ ही हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को मान लिया था, जिसमें तीन मांग थी, पहले था फेडरलिज्म, दूसरा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान, और तीसरा मेरे भाई था सोवर्जिनिटी, ठीक है, सोवर्जिनिटी यानी कि हमारी संप्रभुता। तो दोस्तों ये आपके लिए एक माइंड मैप है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सरसाइज रिवाइज हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपकी वीडियो लिंक इसके अंदर दे दूंगा, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसकी लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्यार से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।